भाई झारखंड, वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कल, तो झारखंड को किसने गाली दी? झारखंड को तो किसी ने नहीं गाली दी। लोग तो ये कह रहे हैं कि झारखंड में, यूपी में, बिहार में, देश के कोने कोने में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो छोटी छोटी बात, नकली झूठी बात बनाकर कहीं चोरी के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों की जिस तरह हत्याएं हो रही है, तो उन हत्याओं के खिलाफ अगर देश की जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतने अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं कि वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के गिरफ्तार किया जाना चाहिए इमीडिएटली। लेकिन होता दूसरा है, जो लोग मॉब लिंचिंग में गिरफ्तार होते हैं, बाद में जब नेता और मंत्री स्तर के लोग उनके घर जाके उनको माला पहनाने का काम करेंगे, तो वो तो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये हत्या करने वाले, रेप करने वाले या इस तरह के लोगों को आज जो केंद्र में सरकार है वो उनको मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इन गंभीर मुद्दों के साथ साथ आज इस बात पे भी चर्चा करनी चाहिए कि देश के अंदर जितने भी दंगे हुए हैं, उन दंगों के अंदर या तो दलित मरे हैं, उन दंगों के अंदर आदिवासी मरे हैं, उन दंगों के अंदर सिख मरे हैं, उन दंगों के अंदर मुस्लिम मरे हैं, उन दंगों के अंदर ईसाई मरे हैं। लेकिन कहीं ऐसा हुआ है कि आपने सुना है देश के अंदर दंगे हुए और अपर कास्ट के फला जाति के लोगों को मार दिया? ऐसा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, वो इस बात को जानती है कि जो जितने भी दलित लोग हैं वो मूल निवासी हैं। मुस्लिम 90% मूल निवासी है, ईसाई 100% मूल निवासी है, सिख 70% मूल निवासी है, अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर मूल निवासी हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि हम माननीय कांशीराम साहब के मुंह से हमेशा सुनते आए 75% पे, 85% पे 15% राज कर रहा है। राज तो वो करेगा, क्योंकि हम 85 करते रहे, हमें पता भी नहीं चला कब मैं वो हमारे घर के अंदर आके बेवकूफ बना के 85 में से 75 को अपने साथ ले गए। आज वो 90 हो चुके हैं, हमारी बेवकूफी की वजह से हो चुके हैं। हम अपने लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, हम अपने लोगों को एकजुट नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी जातियों में बटे हैं, हम छोटे छोटे वर्ग में बटे हैं। हम अपने लोगों को एकजुट कहाँ कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जागरूक कहाँ कर रहे हैं, हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये कुर्सी टेम्परेरी है, सबको समझ आ जाना चाहिए, चाहे कोई MP हो, MLA हो, मंत्री हो, या निगम पार्षद हो, या कहीं और हो, ये सारी कुर्सियां जो है ये टेम्परेरी है, एक दिन जाना निश्चित है, ये किसी की परमानेंट आज तक नहीं हुई। तो जो लोग कुर्सियों का के पीछे छुपके, सिर्फ कुर्सियों के से चिपके रहते हैं, और वो लोग समाज को जागरूक करने की बजाय, समाज के मुद्दों को सदन में उठाने की बजाय, समाज की लड़ाई को लड़ने की बजाय अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहते हैं। कुर्सी तो 100% जाएगी, आज तक किसी की सुरक्षित नहीं रही। मैं समझता हूं अगर आप समाज की लड़ाई को लड़ोगे, अगर समाज के मुद्दों को उठाओगे, ये हत्याएं हो रही है हमारे लोगों की, बहनों की इज्जत लूट रही है, हम चुप बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। क्या करेंगे ऐसे नेता बन के? एक तरफ हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे युवा मर रहे हैं, बहनों की इज्जत टूट रही है, और हम उन मुद्दों को भी मजबूती से नहीं उठाते, और सरकार में बैठे हुए लोग उनको भी शर्म नहीं आती। 70 साल कब तक कहते रहोगे भाई? पहले 13 महीने क्या नाम 13 महीने आपकी सरकार रही, फिर 5 साल आपकी सरकार रही, फिर दोबारा 5 साल आपकी सरकार रही, अब फिर आपकी सरकार बन गई। आप हर बार 70 साल कह के दूसरों पे क्यों डालते हो? आपकी भी तो सरकार भाई, पहले 13 महीने, फिर 5 साल, फिर 5 साल, तो क्या अपने वाले को गिनोगे नहीं? आपने क्या सुधार किया? आपने देश में जाति धर्म के दंगों को रोकने पे क्या सुधार किया? आप तो जाति धर्म के नाम पे दंगे करने वालों को प्रोत्साहन देने का काम करते हो। इससे देश टूटेगा, मजबूत नहीं होगा। और मुझे लगता है किसी की भावनाओं को भड़काने वाली भाषण हमें भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होगा, फायदा किसी को नहीं होने वाला। हम अपने समाज को भड़काएं, वो अपने समाज को भड़काएं, एक दूसरे का खून, मतलब एक दूसरे को मार काट के थोड़ी ना देश बनेगा। देश बनेगा भाईचारे से, देश बनेगा जातियों को तोड़ने से, देश बनेगा धार्मिक बंधनों को तोड़ने से, क्योंकि हम मानते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। जब इंसान हुआ था कोई धर्म और जाति नहीं थी, जाति और धर्म का निर्माण चालाक इंसानों ने किया है, और जिन्होंने किया है वो देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए, पूरे दुनिया के ऐसे लोग जिन्होंने जाति धर्म की रचना की है, वो लोग पूरे देश की और पूरे दुनिया की संपत्ति पे कब्जा किए हुए। आज क्या इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि देश की खेती की जमीन में दलितों का हिस्सा क्यों कहां गया, उनको क्यों नहीं मिला? क्या इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन है उसमें दलितों को हिस्सा क्यों नहीं मिला? हम मूल निवासी होने के बावजूद हमारे पास कुछ नहीं है।
जिन लोगों ने वर्षों पहले जमीनें कब्जा ली, आज उनकी जमीनें एक्वायर होती है तो उनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिलता है। आदिवासी हजारों साल से जिस जंगल में रह रहे हैं, जिसके वो मालिक हैं, उनको जंगल से विस्थापित किया जाता है और जंगलों के अंदर खनन किया जाता है। उनकी उनकी जमीन भी गई, जंगल भी गया, और अगर वो आवाज बुलंद करते हैं तो उनको नक्सलवाद के नाम पर मार दिया जाता है। भाई कितने लोगों को मारोगे? दलितों की संख्या इस देश के अंदर कम से कम 30 करोड़ है। किस किस को मारोगे? कम से कम 20 करोड़ देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, किस किस को मारोगे? ये देश इससे मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत होगा आपसी भाईचारे से। हमें जाति और धर्म के बंधन को तोड़ के अपने देश को मजबूत करना चाहिए, और ये 70 साल का बहाना बनाने की बजाय जो लोग आज सत्ता में बैठे उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर देश में हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, तो उसको जिस सरकार के अंदर हो रहा है उस सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे आज एकजुट होने की जरूरत है। आज आह्वान करते हैं, आह्वान करने पे कहीं 200 लोग कहीं 300 लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबको एकजुट होकर मैं रोड पर उतरना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दे पर तो आप यहाँ जरा सा कोई झगड़ा हो जाए, मार पिटाई हो जाए तो 500 लोग इकट्ठे होकर देखने लगते क्या हो रहा है। और जहाँ लोगों की इज्जत लूट रही है, हत्याएं हो रही हैं, उस पर कॉल दी जाती है तो 500 लोग आते हैं, ऐसे कैसे बात बनेगी भाई? न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? न्याय की आवाज उठाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है? और आप मंत्री एमएलए एमपी बनने के बाद सदन में जिस लिए गए हैं, जिस समाज को नुमाइंदगी करते हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सोसाइटी को, तो क्या उसकी हक की लड़ाई आपको नहीं लड़नी चाहिए? तो ये पूरे देश का मुद्दा है। आज पूरे देश को एकजुट करने की जरूरत है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश में सत्ता में आ गई है, लेकिन वो राष्ट्रवाद के नाम पे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश बांटने से नहीं बनेगा, देश जोड़ने से बनेगा। तो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो अक्सर बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, सब लोग एकजुट हो जाओ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।